लगता है मेरा भाई आज घर का खाना नहीं खाएगा। कोमल के साथ प्लानिंग होगी ना किसी 5-स्टार होटल में खाना खाने की। क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है तुम्हें? वासी, वासी, हदीका भाभी, हदीका भाभी, हदीका भाभी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। बेटी, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। अपनी अम्मी की मौत की वजह बनने वाले लोगों को माफ करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। अच्छी खासी हानिया खुद को आग लगाकर मारने वाली थी, आप लोगों ने बचा लिया। फिनाइल पिया उसने, आप लोगों ने फिर भाग दौड़ करके उसे बचा लिया। अब तो मैं कहता हूँ तीसरी बार अगर वो ऐसी कोशिश करे ना, उसे मरने ही देना। अल्लाह ही बचाए ऐसे प्यार से तो, जो वो मुझसे करती हैं। उनके प्यार ने मेरी सारी जिंदगी उजाड़ के रख दी है। अगर वो मुझसे नफरत करती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मगर हदीका भाभी, हम तो कोमल भाभी के कमरे में जा रहे थे ना। मैं तुम्हें अम्मी के सामने नहीं लेके जाना चाहती। अगर अम्मी देख लेती तो वो हमारी सारी बातें सुन लेती और एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाना था। क्या चल रहा है ये सब? तुमने तस्वीर दिखाई आनिया को? जी अम्मी। तो फिर कैसा लगा लड़का हमारी आनिया को? बताएं हदीका भाभी, कैसा लगा मुझे वो लड़का? फरहान, खाना लग गया, आकर खाना खा लें। देवर से भी पूछ लो खाने का। वासिक, खाना लग गया, आ जाओ खा लो। लगता है मेरा भाई आज घर का खाना नहीं खाएगा। कोमल के साथ प्लानिंग होगी ना किसी 5-स्टार होटल में खाना खाने की। खैर, मुझ गरीब को तो गरीब वाला खाना खिला दो। चलें। आ जा। वासिक भाई, खाना लग गया है टेबल पे, प्लीज आकर खाना खा लें। अब क्या पूरा घर आके मुझे बताएगा कि खाना लग गया है? सुन लिया मैंने। फरहान बेटा, तुम वासिक की कुर्सी पे बैठ गए। ओ हाँ, सॉरी अम्मी, मैं भूल गया था कि ये घर के सरबराह की कुर्सी है। सॉरी, बैठे। हदीका, वो बाउल देना मुझे खाने का।
हानिया, तुम्हारी कोमल भाभी नहीं आई खाना खाने के लिए? कोमल भाभी कह रही थी कि मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। अच्छी बात। फरहान, कैसा जा रहा है तुम्हारा नया ऑफिस? जेमी, आपकी दुआओं से सब अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। बस दुआ कीजिए कि किसी की बुरी नजर ना लग जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को किसी की बुरी नजर लगे। अल्लाह तरक्कियां दे तुम्हें। आमीन मेरा बच्चा। आमीन। और ये भी दुआ कीजिए अम्मी के मेरे ऑफिस का स्टाफ किसी करप्शन में मुलव्वस ना हो। और आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया, हराम की कमाई खाने की लत पड़ गई है। और भूल जाते हैं वो लोग कि वो एक दिन पकड़े भी जा सकते हैं और लात मारकर नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं। वासे, क्या हुआ है तुम्हें? वासिक, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। मुझे कुछ बताओगे तुम? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हें? वासिक, वासिक, हदीका भाभी, हदीका भाभी, हदीका भाभी, हदीका भाभी, हदीका भाभी, हदीका भाभी जल्दी आई। हानिया, हानिया पानी लाओ। वासिक होश करो, वासिक उठो, उठो वासिक, वासिक, वासिक भाई, हानिया पानी लेकर आओ जल्दी से। मेरा वासिक, वासिक होश करो, वासिक उठो, हदीका भाभी जल्दी पानी लेकर आए। फरहान, फरहान, वासिक होश करो, वासिक क्या हो गया तुम्हें? उठे वासु भाई, वासु भाई आंखें खोले, वासु भाई क्या हुआ है? और पानी डालो, कमल भाभी, और पानी डालो। वासिक, वासिक उठो, वासिका भाभी पता नहीं इसे क्या हो गया। फरहान भाई से कहिए डॉक्टर को बुलाए, जल्दी करें। चलिए, चलो। डॉक्टर ने तो कुछ बताया ही नहीं, मैं पूछकर आती हूं। जान बच गई है इनकी, खुदा का शुक्र अदा करें। हाय मेरे अल्लाह। 160-190 तक बीपी शूट कर गया था, दिमाग की नस फट जाती तो मौत वाकया हो सकती थी। अब क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब, अब क्या बताएं ना? इंजेक्शन लगा दिया है, उम्मीद है थोड़ी देर तक बीपी काफी कंट्रोल हो जाएगा। अलबत्ता एक घंटे बाद इनका बीपी चेक करके मुझसे फोन पर राबता कर लीजिएगा। जी ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ।
मम्मी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वासिफ भाई फरहान भाई की बातों से? चुप कर जा हानिया, तू बीच में मत बोलना। वासिक और फरहान के दरमियान कुछ चल रहा है, मैं ये सारा मामला देख लूंगी। तूने ठीक से खाना नहीं खाया था, जा खाना खा। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा चल, शाजिया से कह कि मेरा खाना कमरे में भेज दे। डॉक्टर ने कहा है कि हर घंटे बाद बीपी चेक करके फोन पे बताना उसे। अभी बाहर कुछ हुआ? क्या हुआ? तुमने भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा। चलो बाहर कुछ खाते हैं। आप मेरे पास आके बैठे हैं। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे अच्छी नहीं लग रही आपकी मुस्कुराहट। अच्छा, क्या बात है मेरी बीवी की, मेरी मुस्कुराहट भी बुरी लगने लगी है तुम्हें? बात क्या है, आप वासिक पे क्यों तंज कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे आप साफ साफ बताएं कि हुआ क्या है। दरअसल बात यह है मेरी जोजा साहिबा, वासिक ने जो मेरे साथ बुरा किया था, तुमने मुझे मना कर दिया कि वासिक को माफ कर दो। ठीक है, मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुदरत उसे माफ नहीं कर पाई। मतलब मैं समझी नहीं। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला भी नहीं हूं। खैर, वासिक बहुत परेशान है इस वक्त, और इसी वजह से खैर ये कुछ पैसे हैं, ये कोमल को दे देना। ये वो पैसे हैं जो मैंने वासिक से उधार लिए थे। कर्जा लौटा रहा हूँ, उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा, दे देना उसको। और हाँ, वासिक से बात हो तो उसे कह देना, जब भी उसे पैसों की जरूरत होगी ना, मुझसे बिना झिझक मांग ले। उसके एहसानों का बदला ही तो चुका रहा हूं मैं। हुआ था तुम्हें? मुझे अकेला छोड़। तुम्हारा बीपी इतना ज्यादा शूट करके तुम मुझे कुछ बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है तुम्हें बताने, मुझे भूख लगी है, हो सके तो कुछ खाने को ला दो। Thank you.
वासी को होश आया? हाँ अभी जाग रहा है। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ये पैसे हैं फरहान ने दिए हैं, ये वो पैसे हैं जो फरहान ने वासिक से उधार लिए थे, उसे दे देना। कोमल तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वासिक के साथ क्या चल रहा है? नहीं तो मुझे लगता है वासिक किसी बड़ी प्रॉब्लम में है और फरहान शायद जानते हैं, वो मुझे बता नहीं रहे। लगता है वासिक को पैसों की जरूरत है। या तुम कोशिश करो वासिक से पूछने की, शायद वो तुम्हें बता दे। ठीक है मैं पूछूंगी। अब प्लीज मुलाजमा से कहें कि हमें खाना कमरे में भिजवा दे। ठीक है। कुछ पैसे हैं फरहान भाई ने दिए, हदीका भाभी कह रही थी कि ये वो पैसे हैं जो फरहान भाई ने तुमसे उधार मांगे थे। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी जॉब कैसे गई थी? अब नहीं, अब नहीं कोमल बेगम, अब तुम किसी और से सुनकर आई हो और मुझे अब तुम्हारी कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं। देखो वासिक, मैं किसी और स्टांस में थी। जस्ट अ मिनट। जो भी हुआ मैं नहीं जानती। ये लो फ्लैट के पेपर्स, इसे बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लो। कहा ना अब नहीं। तुम्हें एक अच्छा शौहर नहीं, तुम्हें एक अच्छा इंसान चाहिए जो मैं कभी नहीं बन सकता। मुझे कोई नीचे दिखाने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसे धक्का देके खाई में गिरा दूंगा। और वही मैंने किया। फरहान भाई अपना बदला ले रहे हैं। और तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली कि हम में से हाबिल कौन है और काबिल कौन है? तुम्हारी ये बात आज तक मेरा दिल काटती आई है। फरहान भाई ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? उसने मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेकर अपना फैसला सुना दिया। फरहान ने मुझे करप्ट करार दे दिया सबके सामने। ऑफिस वालों ने भी मुझ पर इल्जाम लगा के रखा है, ना कोई जुर्म साबित हुआ और ना ही कोई सजा। अगर फरहान
उसने फैसला सुना दिया कि मैंने करप्शन की। किसकी सोच है ये? हाँ, काबिल की या काबिल की? ये वक्त फैसला करेगा कोमल। और तुम, तुम्हें एक ऐसा शौहर चाहिए जो भले तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो लेकिन तुम्हारी खुशी में बैंक लोन में डिफॉल्टर करने वाला हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ साथ सब पर अपनी जान माल इज्जत सब लुटा दे। नहीं कोमल, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं इस दुनिया में और तुमसे ही करता रहूंगा। लेकिन हानिया की खातिर तुम मुझे तलाक देने वाले थे। वो हानिया की वजह से नहीं था डैमेट, तुम मुझे समझने के बजाय मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी। अच्छा सॉरी, मुझे इतना तो पता चल गया कि फ्रस्ट्रेशन की वैल्यू प्यार से कहीं ज्यादा होती। बस कर दो कोमल। हदीका भाभी, आप ये ट्रे रखें और जाइए यहां से।